अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला ऊना के प्रधान रमेश सिंह ठाकुर, चेयरमैन भूविंदर सिंह, वरिष्ठ उप प्रधान वीरेंद्र शर्मा, महासचिव धारा सिंह, मुख्य सलाहकार रविंदर शर्मा ने संयुक्त वार्ता में बताया कि जो पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों को कैबिनेट मीटिंग में छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का निर्णय लिया है, उस रिपोर्ट के लागू होने से पंजाब के कर्मचारी मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है। अब पंजाब सरकार ने छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट में 58 वर्ग के कर्मचारियों के लिए 2.25 का फार्मूला लगाया है, जिससे पंजाब का समस्त कर्मचारी वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और पंजाब सरकार के वित्त मंत्री द्वारा दिखाए गए कर्मचारियों को सपने झूठे साबित हो रहे हैं। अब पंजाब का समस्त कर्मचारी वर्ग 2 दिन की सामूहिक हड़ताल पर है, उसके बाद दिनांक 27 तक पेन डाउन हड़ताल पर जा रहा है, जिसका हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला ऊना ने समर्थन किया है। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला ऊना ने पंजाब सरकार से मांग की है कि पंजाब के कर्मचारियों को जो छठे वेतन आयोग रिपोर्ट में त्रुटियां पाई गई हैं, उस पर पुनर्विचार करें और उन त्रुटियों को दूर करके पंजाब के कर्मचारियों को एक समान छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करें। तथा महासंघ ने हिमाचल प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही पार्टी से भी मांग की है कि वह भी पंजाब सरकार से छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट पर पुनर्विचार करें, छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करें ताकि कांग्रेस पार्टी कर्मचारी हितैषी होने का प्रमाण साबित करें। PLTV के लिए ऊना से रोहित शर्मा की रिपोर्ट।